सरकार और प्रशासन मिलकर लाख पाबंदियां लगा दे, लेकिन जिन्हें शादी करना है वे कर ही रहे हैं। टीकमगढ़ के पलेरा में एक परिवार में धूमधाम से शादी हुई और फिर दुल्हन को परंपराओं के मुताबिक विदाई भी दी गई। इस दौरान कोविड नियमों का खुले रूप से उल्लंघन किया गया। प्रदेश में कोरोना के चलते लॉकडाउन किया गया और कई तरह की रोक लगाई गई, यहां तक कि सभी बाजारों को बंद कर दिया गया और किसी भी आयोजन की अनुमति प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही। लेकिन लगनसरा के चलते अब भी चोरी छिपे विवाह समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। कई वीडियो अब तक सामने आ चुके हैं जहां चोरी छिपे विवाह समारोह आयोजित किए गए। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और उन लोगों पर कार्रवाई की गई जिन्होंने कोविड नियमों का पालन न करते हुए विवाह आयोजित किए। टीकमगढ़ के पलेरा में भी एक विवाह आयोजित किया गया जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें शादी कहां हुई इसकी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो डोली जा रही है वो अपने आप में गवाह है कि शादी हुई है और दुल्हन को विदा किया जा रहा है। आमतौर पर दुल्हन को कार या किसी अन्य वाहन में बैठा कर विदा किया जाता है, लेकिन इस दुल्हन को डोली में कहार उठाकर ले जा रहे हैं। दुल्हन को विदा करने के लिए बड़ी संख्या में दुल्हन के परिवार वाले उसे गांव के छोर तक छोड़ने के लिए आए। दुल्हन को विदा करने आने वाली महिलाओं और बच्चों में से ज्यादातर ने मास्क नहीं लगा रखा था, साथ ही वे कोविड नियमों का पालन भी नहीं कर रहे थे। हालांकि अब जल्द ही सरकार द्वारा विवाह समारोह और अन्य कार्यक्रमों के लिए छूट दी जाने वाली है, लेकिन इसके बावजूद जिन्हें अपने कार्यक्रम करना है वे कर ही रहे हैं, चाहे प्रशासन और सरकार उन्हें अनुमति दे या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन भारत, पलेरा।